जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है, कोई तड़प रहा है हर लम्हे में आपका साथ पाने के लिए, तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से लेने वाले हैं हम 9 मैसेजेस और टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हम शफल करके। आप देखते हैं टैरो में से कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड है वो है 2 of Wands का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफी ज्यादा इंतजार के लम्हे में ये तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड ही आपको बता सकता है कि किस तरह से ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। तो शायद आपकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ये चाहते हैं, या फिर आपके कॉल का या मैसेज का इन्हें काफी बेसब्री से इंतजार है। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई आंसर मांगा है और वो आंसर कब मिलेगा इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 7 of Pentacles, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही एनर्जी है। ये पर्सन पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में भी आप देख सकते हैं कि बैंड के जैसे ही ऑलमोस्ट ये लगती है और ये इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे घर वालों से भी इन्होंने कोई आंसर मांगा है और उनकी राय के लिए भी ये रुके हुए हैं, या फिर जैसे पेंटेकल के ऊपर स्टार साइन बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है इनके दिल के विश को। तो कब होगी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी, जैसे अगर इन्होंने आपसे कुछ पूछा है, हाँ या ना में कोई सवाल है, तो उस सवाल का जवाब कब मिलेगा और ये कब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, कब उनकी वो ख्वाहिश पूरी होगी, ये भी शायद सोच रहे हैं। फिर है द अल्केमिस्ट, ये मैजिशियन का कार्ड है। तो मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन, यानी कि जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है, हो सकता है ये यही दोहराते रहते कि हे ऊपर वाले मेरी जल्द से जल्द ख्वाहिश पूरी कर दो, हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह से ये ऊपर वाले से अपनी प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि उन्हें जो अपनी मर्जी का जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए वो एज सुन एज पॉसिबल उनको मिले। ये सॉल्ट है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो शायद बहुत कुछ है जो उनकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपसे भी शायद ढेर सारी बातें इनको करनी होगी अगर उनकी वो विश पूरी होती है। तो फिर पेंटेकल के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो ऐसी कोई तो इम्पोर्टेंट बात है जो इनके लिए इतना ज़्यादा मायने रखती है कि अगर वो बात पूरी होती है तो ये दिल खोल के बात कर सकते हैं। फिर है कप जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, जज्बातों को, तो ये जज्बात भी उसी तरह से रिवील कर पाएंगे जब उनकी ये विश पूरी होती है। और वैंड रिप्रेजेंट करता है पैशनेट फीलिंग्स को भी और एक्शन को भी। तो ज़िंदगी में कोई तो शायद बड़ा स्टेप लेने के लिए ये रुके हुए हैं और जब तक उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती तब तक ये एक्शन नहीं ले पा रहे, शायद इसलिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसा कि मैंने कहा कि कोई तो ऐसी विश है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इनके लिए। इस किंग के हाथ में, दोनों हाथ में इसने जो पेंटिकल पकड़ के रखा है वहाँ पे स्टार साइन ही है और वही रिप्रेजेंट करता है इनकी विश को। तो अगर ये किंग है तो ऑलरेडी इन्होंने बाकी फैमिली का तो दिल जीतने की कोशिश की ही हुई है। यहाँ पे दो बुल है जो रिप्रेजेंट करते थोड़ा स्टबर्ननेस को, जैसे
किसी भी बैल को थोड़ा गुस्सा वगैरह बहुत जल्दी आता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो वैसे ही ये पर्सन शायद बहुत हार्ड वर्किंग भी है। इन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन शायद अब जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो थोड़ा सा गुस्सा दिन ब दिन इनके दिलो दिमाग में चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हालात के ऊपर कहने से बेहतर रहेगा कि हो सकता है स्पेसिफिकली घर वालों के ऊपर या फिर हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ रहा है, और इसी गुस्से की वजह से शायद कुछ लोगों के बीच में बातचीत वगैरह नहीं हो रही होगी, और मे बी इसीलिए ये नहीं बता पा रहे कि ये हर लम्हे में आपके लिए इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न किंग भी आया है और उसके बाद क्वीन भी आई है, तो ये आपसे अपने आप को जब भी काउंट करते हैं तो उन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे इस किंग के हाथ में जो है वो पेंटेकल है, जो रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली, पैसा, करियर ये और अपने दिल की ख्वाहिशें ये सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी पे होती है। और अगर क्वीन ऑफ कप्स की हम बात करें तो उसके हाथ में ये जो कप है वो रिप्रेजेंट करता है इसके जज्बातों को। तो अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपके लिए अपने घर वालों से ज़्यादा अपने खुद के दिल के एहसास, वो इमोशंस मायने रखते हैं, यानी कि आफ्टर ऑल अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में आप सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपनी लव लाइफ के बारे में सोचती हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि जो मेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है या फिर मेरे जज्बात उनको समझ सकता है उसी के लिए मैं अपना ये कप का जो ढक्कन है वो ओपन करूंगी और इस तरह से अपने प्यार के जज्बात उसके साथ शेयर करूंगी। जब तक वो नहीं हो पाता तब तक ये ऐसे ही कप मेरे पास ही रहेगा। तो आपने शायद वो अफेक्शन इस पर्सन को देना बंद कर दिया है, क्योंकि इस पर्सन ने शायद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का वास्ता दिया है कि जब तक मेरे घर वाले नहीं मानेंगे मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और शायद कुछ लोगों ने कुछ करियर के ऑप्शंस भी बताया है कि मेरे पैसे के कुछ काम हैं वो जब तक पूरे नहीं हो पाते या फिर करियर मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई गोल है, ऐसी कोई भी बात जो खुद इनसे और इनकी फैमिली से जुड़ी हुई है वो शायद उन्होंने आपके सामने रखी हुई हो सकती है, और इस वजह से उनको ऐसा लगा, आपको ऐसा लगा कि ये आपके जज्बातों को समझ के नहीं ले रहे, शायद इसलिए आपने थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और मे भी यही वजह है कि इसी तरह से ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हर लम्हे में। फिर है डेथ का कार्ड, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है, तो एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आपने अगर अपनी तरफ से पूरी तरह से दो कॉन्ट्रैक्ट जोन में इस पर्सन को डाल दिया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, और कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म करने से। उनको लगता है कि जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम हुए हैं वो ख़त्म होने चाहिए और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक नया सवेर ऑलमोस्ट हो रहा है, तो वैसे ही एक नई शुरुआत करना चाहते, लेकिन अगर गलती इनकी है तो ये पर्सन थोड़ा अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। और फाइनल कार्ड है द सन, ये तो आपको पता ही है कि टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड एक जैसा दिखाई दे रहा है तो ये पर्सन भी वैसा ही इनोसेंटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते। यहाँ पे भी हॉर्स है, डेथ के कार्ड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हॉर्स है, लेकिन ये जो कार्ड है यहाँ पे ये जो चेहरा है वो थोड़ा डरावना होता है, और सन का जो यहाँ पे चेहरा है वो बिल्कुल ही एक इनोसेंट बच्चे की तरह है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर कुछ दूरियां आई है तो उन दूरियों की वजह से इस पर्सन के अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी से निकल के या फिर अपने थोड़े खुद के जोन से निकल के ये और लोगों के जज्बात उनके बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे आफ्टर ऑल आपके जज्बात, आपकी चाहतें वो भी तो इनसे जुड़ी हुई है, और इस बात को लेके जब वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रही है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड हमें क्या बताते हैं। इट्स माई नेचर, तो पहला ही मैसेज उनका यही है कि आफ्टर ऑल आपको समझ के लेना चाहिए, ये उनका नेचर है, यही उनका स्वभाव है, ये ऐसा क्यों बिहेव करते रहते हैं, क्यों ऐसा ये पेश आते हैं, इसका जवाब यही है क्योंकि ये नेचर ऐसा इनका है और ये आपसे छुपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपसे ही उम्मीद की जा रही है कि आपको समझ के लेना चाहिए। फिर है मूडी, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मूडी भी है और उनके मूड के मुताबिक वो हर बात करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मिलना है और अचानक उनका मूड चेंज हो गया, नहीं मुझे कोई और काम करना है, तो मूड के मुताबिक वो अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं, यानी कि आपको ये भी अंदाज़ा है कि ये पर्सन मूडी है। अगर आपसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं और उनका मूड चेंज हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो आपको मिस कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज और हर मूड। फिर है लेट गो और लेट्स गो,
तो उनको ये भी लगता है कि कुछ बातों ने अगर आप दोनों के बीच में दूरियां लाई हैं तो उन बातों को दोनों के बीच में से हटा देना चाहिए, नहीं तो आपको खुद सामने से कहना चाहिए चलो लेट्स गो, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी वो आपकी तरफ से चाहते हैं, यानी कि दिल ही दिल में तो ये सोचते हैं लेकिन वो ये आंसर आपकी तरफ से चाहते हैं। नेक्स्ट है लव इज दैट होल्डिंग यू, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, आप दोनों भी एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, फिर क्यों एक दूरियां चाहिए दोनों के बीच में। यानी कि आपको भी अगर एहसास है कि ये प्यार ही है जो आज भी आप दोनों के बीच में है, तो उस प्यार के इम्पोर्टेंस को समझते हुए इन सब दूरियों को हटा देना ही रास्ते से ठीक रहेगा, ये वो सोचते हैं या सोचती है। फिर है फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा ये पर्सन अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में ज़्यादा उलझे हुए थे, जिसकी वजह से शायद इस रिश्ते को वो इतने इम्पोर्टेंस या फिर इतना वक्त नहीं दे पाए जितना शायद आपने उम्मीद की थी। और मे बी यही भी एक वजह हो सकती है कि थोड़ी सी दोनों में दूरियाँ आ गई है, और अब यही दूरियाँ इस तरह का रीज़न बन गई है कि ये पर्सन हर लम्हे में आपके लिए तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है आउटडोर, तो कहीं ना कहीं आउटडोर पे आपसे मिलना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई स्पेशल ऐसी कोई रेस्टोरेंट की जगह है या फिर बीच, समंदर का किनारा, कोई भी ऐसी आउटडोर की जगह जहाँ पे आप दोनों ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, तो वहाँ पे ये दोबारा ऐसा मतलब डिसाइड करके नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अचानक से काश ऐसा हो जाए कि मैं वहाँ पे हूँ और मेरा पर्सन मेरे सामने आ जाए, तो ये उनकी इमेजिनेशन है और ये वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है मी एंड यू, तो ये कार्ड उल्टा आ गया है, जैसे कि हमारा चैनल का भी टॉपिक है, तो ये एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मी एंड यू मतलब वो और आपका साथ, ये हो नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से ये इस तरह से तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है नीड सम मैजिक, राइट नाउ उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी ये एहसास से तड़प रहे हैं उसके लिए उनकी ज़िंदगी में कोई जादू की ज़रूरत है, और आप कह सकते हैं कि आप अगर अचानक से उनके सामने आ जाए तो आपकी एक जादू की झप्पी उनको मिल सकती है और उस वजह से ये सभी दूरियां मिट सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये सोच के ही शायद वो मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है व्हाट आर यू थिंकिंग, तो राइट नाउ जैसे वो आपको मिस करते हैं या उनका दिल आपके लिए तड़प रहा है, क्या आपके भी दिल में ऐसे ही उनके लिए एहसास होंगे, ये बातें सोचते हैं या सोचती है तो और भी ज़्यादा वो तड़पने लगते हैं और उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ गुड डे।